हमारी कार्यकर्तियों का शांति आवाहन पर आज साफ रूप से ज्ञापन दे रहा हूँ। इसका उद्देश्य मात्र यह है कि 62 साल की उम्र में जो आंगनबाड़ी वालों को जागरूक किया जा रहा है और उनको क्या लाभ दिया जाना है, इस संबंध में जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आंगनबाड़ी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आपका जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आंगनबाड़ी कर्मचारी मैं जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो है आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर कराने की कोशिश करूँगा। जी, रिटायरमेंट के बाद सब खाली हाथ हम लोगों को वापस जो किया जा रहा बात नहीं नहीं आपकी समस्याएं जरूर हैं, इसको मैं जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा करके और माननीय जिस तरीके से विधवा पेंशन और सारी पेंशन है वही समझ करके कम से कम महिलाओं को नहीं नहीं कुछ तो जीवन यापन करने के लिए। चले जी, किन मांगों को लेकर आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? मैं अनूप मिश्रा, संरक्षक जिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जनपद रायबरेली। आज उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को आंगनबाड़ी बहनों का 7 सूत्री ज्ञापन दिया गया है और वो ये उद्देश्य से कि 62 साल की उम्र पर रिटायरमेंट होना चाहिए। इसमें कोई विरोध मेरा नहीं है, लेकिन ये भी होना चाहिए कि उन्हें रिटायरमेंट करने के पहले उन्हें क्या लाभ, कितना पेंशन, यानी कम से कम 5 लाख रुपए, BPL कार्ड और आयुष्मान कार्ड की उनकी सुविधाएं मिलनी चाहिए। कौन कौन आया है आपके संगठन से? हमारे संगठन में माननीय जिला अध्यक्ष अनीता जी, महामंत्री मीना सोनकर जी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष रेखा जी, सरोज यादव जी, मंजू जी और हमारे विकासखंड रोहनिया, सरेनी, खीरों, लालगंज, डलमऊ आदि के हमारे माननीय अध्यक्षगण और उनके प्रमुखगण शिवगढ़ के सब उपस्थित हैं और उनकी एक ही उद्देश्य पर बना हुआ है खास तौर से कि हमारी प्रदेश सरकार हम में करे, लेकिन हमको समाज सेवी मान रही है कि हमें गवर्नमेंट सर्वेंट मान रही है। अगर समाज सेवी मान रही है तो हमसे काम कराते रहना चाहिए, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट लाभ दे रही है तो हमें लाभ देना चाहिए, यही मेरी मांग है। ये किन मांगों को लेकर आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया? मीना सोनकर महाराजन, ब्लॉक अध्यक्ष। जो 62 साल की रिटायरमेंट की बात चल रही है, होने भी वाली है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारी बहनों ने सारी उम्र तो काम किया है सरकार का और 62 साल होने पे उन्हें ऐसे सूखा निकाल देना सही नहीं लगता है। जब उन्हें पैसों की ज़रूरत है, बुढ़ापा आ जाएगा और कुछ करके खा भी नहीं सकती हैं, तो उनको तो पैसा देना ही चाहिए। आपके साथ कौन कौन लोग आए हैं? हमारे साथ महाराजगंज से निर्मला गुप्ता हैं, किरण रस्तोगी हैं और शैलेश कुमारी हैं और हमारी बसराओं की बहनें हैं, सारे ब्लॉक की बहनें हमारी आई हुई हैं। मांगों लेकर आज आप लोग यहां पर ज्ञापन दिए? मऊ से ब्लॉक अध्यक्ष सरोज यादव। मैं बहनों को जो 62 साल ऐसे रिटायरमेंट कर दिया गया है, उनको कुछ दे के रिटायरमेंट किया जाए जैसे सारे कर्मचारियों को किया जाता है, इसीलिए हम लोगों की यही लड़ाई है कि सरकार से कोई लड़ाई नहीं, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि खाली हाथ जैसे हमारी बहनें रिटायरमेंट हो रही हैं तो उनको कुछ दे के रिटायरमेंट किया जाए, नहीं तो 62 में तो रिटायरमेंट होना ही होना। किसके साथ आज आप लोग यहाँ पर आए हुए ज्ञापन दिए हैं? मैं महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ हरिचंद शिवगढ़ से आया हूँ। जो ये सरकार हमारी बहनें आंगनबाड़ियों की जो 62 साल से एक मिनट जो 62 साल के बाद जो है सरकार इनको रिटायर कर रही है, और जबकि ये राजकीय कर्मचारी पहले से ही नहीं है तो रिटायर करने का उद्देश्य अगर है तो इनको 5,000 रुपये प्रति माह के सिस्टम से नगद भुगतान करके इनको जो है रिटायर किया। दे दिए किन मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए?
मैं आंगनबाड़ी महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष अनीता, मैं आज जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय को और जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया कि जो हम लोगों को 62 साल में रिटायर किया जा रहा है उसके संक्षेप में हम लोगों को जो समाज सेवा सेविका बताया जा रहा है, हम लोग कोई कर्मचारी नहीं, तुम लोगों को रिटायरमेंट क्यों किया जा रहा है? कोई कर्मचारी हम लोगों को नहीं माना जा रहा, तो रिटायरमेंट हम लोग और फिर रिटायर अगर हमको करना चाह रहे हैं हम स्वेच्छा से होंगे, हमको या तो प्रोत्साहन के राशि के रूप में जो उनको देना हो 50,000 1,00,000 दे दें, या तो विधवा वृद्धा पेंशन जैसे दे रहे हैं तो उस तरह हमको पेंशन हर महीने लागू कर दें, 1,000-2,000 रुपये जो देना हो दे दें, हम लोग स्वीकार करेंगे। अगर इस पर रोक नहीं होगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन हम रिटायर तब होंगे जब हमको कुछ खाने योग्य परिवार चलाने के लिए कुछ दिया जाएगा तभी, और अन्यथा हम लोग आंदोलन पर बात करेंगे। कहाँ कहाँ से आपके साथ पदाधिकारी आए हुए हैं आपके साथ में? बछरावा ब्लॉक बछरावा के अध्यक्ष हैं, शिवगढ़ के अध्यक्ष हैं, महाराजगंज के हैं, ऊंचाहार के अध्यक्ष हैं, खीरों के अध्यक्ष हैं, सरेनी के अध्यक्ष हैं, सताओं के अध्यक्ष हैं, और लालगंज के अध्यक्ष हैं, डलमऊ के अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी रोहनिया है। कुछ लोगों के नाम बता दीजिए जैसे महाराजगंज से मीना सोनकर है, बछरावा से पुष्पा रावत है, डलमऊ से सरोज यादव हैं, लालगंज से किरण यादव हैं, खीरों से राज सुंदरी हैं, और वो क्या कहते हैं सताओं से मंजू चौधरी हैं, ऊंचाहार से त्रिवेणी सिंह हैं, रोहनिया से मिश्रा जी मालती सिंह हैं, रेखा जी और शहर परियोजना से रेखा हैं, रेखा मिश्रा।